मोदी जी ने मैच हरवा दिया गया, पकड़ के हरवा। राहुल गांधी अभी बच्चा है राजनीति का, उसको कोई ज्ञान नहीं है अभी। चेक कर लो। अरे सर चश्मा मत लगाओ, बिल्कुल ईमानदारी से देखो कौन सी सरकार कैसी है। वो काम अच्छा करे उसको वोट दो। मेरा तो कहने का मतलब ये है, मारी नजर में बीजेपी ने बढ़िया काम करा, अच्छा काम किया। जो चीज थी हम बताएंगे क्या क्या चीज थी, पर ये तो राजनीतिक भंडे एक दूसरे का पागल बना रहे, ये पब्लिक का पागल बना रहे। इन्हें तो अपनी रोटी सेकनी ना, और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का मैच था जब हम छोटे छोटे से, भारत पाकिस्तान का मैच था, इजाज फकीर बॉलर था, बहुत बेहतरीन बॉलर था पाकिस्तान का। 22 रन चाहते 6 छक्के जड़ दिए उन्होंने। बताओ ये तो क्रिकेट है, इसका कोई यकीन नहीं है। अंग्रेज के राहुल गांधी भी गए थे जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी किसी ने पब्लिक से भी पूछ लिया था कि इंडिया वर्ल्ड कप क्यों हारी, तो उन्होंने भी बीच में जवाब दे दिया था कि कोई पनौती गया है। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अल्फराज। 2024 चुनाव को लेकर लगातार हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं, जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हैं। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 30 तारीख को तेलंगाना में और राजस्थान में 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है सर, माहौल किस तरीके का देख रहे हैं? माहौल तो मुझे अभी कांग्रेस का ही दिख रहा है, जहाँ तक मैंने देखा है माहौल अभी कांग्रेस का ही माहौल लग रहा है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे जा रही है अभी, जिस हिसाब से अभी परसों वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मोदी जी गए थे, उसमें पनौती के भी नारे लगे थे थोड़े बहुत, और नारे के साथ साथ अभी कांग्रेस के राहुल गांधी भी गए थे जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी किसी ने पब्लिक से भी पूछ लिया था कि इंडिया वर्ल्ड कप क्यों हारी, तो उन्होंने भी बीच में जवाब दे दिया था कि कोई पनौती गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा फीका लग रहा है उनका हिसाब। नहीं सर, पनौती का जो ट्रेंड होना वो तो एक अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स को क्रिकेट से नहीं जोड़कर देखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आता है, वो कहते हैं कि अच्छे खासे हमारे लड़के मैच जीत रहे थे लेकिन पनौती ने हरवा दिया, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? हाँ, कहीं ना कहीं उनका भी कहना सही है, क्योंकि 10-10 तो मैच हम जीत गए थे लेकिन बीच में वे आए, फिर भी एक मैच हार गए हम, तो हार का कारण जो है ज़्यादातर उन पर ही जा रहा है अभी शेरे से। हार का कारण मोदी की वजह है? हाँ, थोड़ा बहुत लगता है मुझे भी ऐसा, इतना तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं ये जा रहा है थोड़ा। नहीं, आप एक बात बताओ, मोदी जी ने मैच हरवा दिया गया, पकड़ के हर वहाँ। राहुल गांधी अभी बच्चा है राजनीति का, उसको कोई ज्ञान नहीं है अभी, कोई भी ज्ञान। आप एक बात बताओ, टीम इंडिया ने 10 मैच जीतने के बाद में 11वां क्यों हारे? ये तो एक उस क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, एक मिनट में कुछ हो जाता है, एक मिनट में। अरे ये तो राजनीति के इनके फंडे हैं, एक दूसरे का पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं। पब्लिक पागल नहीं रही, पब्लिक बहुत समझदार हो ली, पब्लिक समझदार हो गई। राहुल गांधी जो कहता है उसको पनौती कहता है, वो उसको पनौती कहता है। जब इनकी सरकार थी जब क्या था बताओ, क्या था उस दौरान? अब इनकी सरकार है, अब क्या है? नहीं, एक मैच जीत के क्या होगा, दो मैच जीत के क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्रिकेट है, रेते की दीवार है, इसका कोई भरोसा नहीं। एक गेंद पे फर्क पड़ जा, एक आपके ध्यान होगा पाकिस्तान का मैच था जब हम छोटे छोटे से, भारत पाकिस्तान का मैच था, इजाज फकीर बॉलर था, बहुत बेहतरीन बॉलर था पाकिस्तान का। 22 रन चाहते 6 छक्के जड़ दिए उन्होंने। बताओ ये तो क्रिकेट है, इसका कोई यकीन नहीं है। पर ये तो राजनीतिक भंडे एक दूसरे का पागल बना रहे, ये पब्लिक का पागल बना रहे। इन्हें तो अपनी रोटी सेकनी ना, और कुछ नहीं है, इन तो कुछ नहीं बिगड़ रहा इस चीज से। बताओ मोदी ने हरवा दिया, मोदी ने कहा था उन्हें तुम हारी हो जाकर वहां से, ये तो कहने की बात है। एक दूसरे पे इल्जाम लगावे, सांझ को एक जगह बैठ कर चाय पीवे ये सब लोग, जितने नेता हैं सारे दिन में कहते हैं भाई साहब तू मेरी बुराई करिए, कह लगा आज मैं तेरी थोड़ी सी बुराई करी, कह लगा कल मैं तेरी ज्यादा कर दूंगा, घबरा मत, सांझ को बैठ कर चाय पीवे, ये तो कहने वाली बात है। तो 24 में क्या हम नहीं मानते, 24 में जो होगा वो तो ऊपर वाले ने पहले ही तैयार कर दिया, जो भी होगा जो भी होगा। अभी पब्लिक का मूड का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए क्या ना हो जाए, जब वोट गिरने जाए, जब पता चला है जिसके भाग्य में जिसकी वोट होनी वो ऑटोमेटिक वहीं जाले, जैसे रोटी जाले आदमी के इंसान के हाथों में। अच्छा, 9 साल हो गए बीजेपी के कार्यकाल को, कितना खुश है, कितना? हम तो पूरे खुश हैं, खूब खुश हैं हम तो, हमें तो कोई दुख नहीं है। हम ड्राइवर ही आदमी हैं, हमें 3 चीज का दुख था, रोड का, रोड बढ़िया बन रहे ठीक है जी। दूसरी बात, एक टाइम ऐसा था कांग्रेस की सरकार थी, मुझे कहना चाहिए किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, अपने कार्यकाल में सारी सरकार अपना अच्छा काम करे, सोचे तो अच्छा ही करना, पर पब्लिक है, एक परिवार में 10 ही आदमी है, आप अपने 10 के 10 परिवार के सदस्य को खुश नहीं रख सकते बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर। एक को मनाओगे 9 रुस्से पाओगे, 9 को मनाओगे 10 और रुस्सा पाएगा, ये तो सरकार के फंडे हैं। अच्छा,
हम तो पूरे खुश हैं जी, हमें तो कोई दुख नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा इनसे, रोड कौन सी बन गई, कहाँ रोड कौन सी बन गई, कौन सा कहाँ काम हो गया, बताओ। मैं बताऊंगा, कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, दिल्ली सहारनपुर रोड कागजों में 4 बार बना, रोड में जितने गड्ढे थे, और आज जाकर देखो मजे ऐसी बात, ऐसे तो बनाए हुए रोड सारे टूट रहे हैं, ऐसे शब्दों का उद्घाटन सुबह को शाम को, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो उनसे शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा। उस दौरान अगर कोई लेडीज को प्रेग्नेंट को बैठा देते ना बस में, और डर के लग लग के बच्चा रास्ते में पैदा हो जाता, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मजे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और आज ऐसा है गिलास धर दो आदमी के सिर पर, बस में बैठ कर चला जाओ, सारा नीचा तो गिर नहीं सकता। गड्ढा मुक्त की बात करी थी, गड्ढा मुक्त हो गया कहने का मतलब ये तो कहने वाली बात है, गड्ढा मुक्त कहीं भी नहीं हुआ। मैंने तो देख रहा पूरा, अभी सहारनपुर की बात कर रहे थे, सहारनपुर में तो पूरा सहारनपुर खुदा हुआ, जाके चेक कर लो। अरे सर चश्मा मत लगाओ, बिल्कुल ईमानदारी से देखो कौन सी सरकार कैसी है। वोट सबका हक है, आपका भी हक है, आप जहाँ जी करेगा वहाँ दोगे, मेरे कैसे तो आप देने सर नहीं मानोगे आप इस चीज को, जो काम अच्छा करे उसको वोट दो। मेरा तो कहने का मतलब ये है, हमारी नजर में बीजेपी ने बढ़िया काम करा, अच्छा काम किया, जो चीज थी हम बताएंगे क्या क्या चीज थी, बता दीजिए। रात को लेडीज रास्ते पे चल नहीं सके थी बिल्कुल भी, और आज पुलिस वाले घरों छोड़ कम है, घरों छोड़ कम है, पुलिस की जिप्सी खड़ी रहे, जिप्सी खड़ी रहे घरों छोड़ कम है, ये फर्क पड़ा, इस चीज का फर्क है। हम बताएंगे फर्क कौन सा है, कानून व्यवस्था का सुनिए, यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं सुधरी, रोज मर्डर रेप हो रहा है, रोज मर्डर रेप हो रहा है, रोज है, बिल्कुल सर जी बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। देखो आप किसी को सपोर्ट करो, मुझे इस चीज का नहीं है, आपको कांग्रेस अच्छी लग रही, मुझे कोई अच्छा लग रहा, भाई साहब को कोई अच्छा लग रहा, पर जो काम है उसको ईमानदारी से बताओ, ऐसे नहीं कहना चाहिए बिल्कुल भी, भाई उसने कुछ नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा, जिसने जो काम किया उसका बताना चाहिए, कोई सी भी सरकार हो, हमें इस चीज से क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है, आगे आते हैं। काम तो हुआ है बहुत, पर अभी जो हालात पे हैं, वैसे सहारनपुर पूरा ही खुदा पड़ा है इस टाइम, उस पर कुछ काम ही नहीं हुआ है, आधे से ज़्यादा काम हुआ है, ज़्यादा काम ही नहीं हुआ, यहाँ भी ज़्यादातर दिल्ली वगैरह में भी बहुत सारी सड़कें टूटी। रात को लेडीज रास्ते पर चल नहीं सके थी बिल्कुल भी, और आज पुलिस वाले घरों छोड़ कम है, घरों छोड़ कम है, पुलिस की जिप्सी खड़ी रहे, जिप्सी खड़ी रहे घरों छोड़ कम है, ये फर्क पड़ा, इस चीज का फर्क है, कानून व्यवस्था का सुनिए, यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं सुधरी, रोज मर्डर रेप हो रहा है, रोज मर्डर रेप हो रहा है, रोज है, बिल्कुल सर जी बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। देखो आप किसी को सपोर्ट करो, मुझे इस चीज का नहीं है, आपको कांग्रेस अच्छी लग रही, मुझे कोई अच्छा लग रहा, भाई साहब को कोई अच्छा लग रहा, पर जो काम है उसको ईमानदारी से बताओ, ऐसे नहीं कहना चाहिए बिल्कुल भी, भाई उसने कुछ नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा, जिसने जो काम किया उसका बताना चाहिए, कोई सी भी सरकार हो, हमें इस चीज से क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है, आगे आते हैं। काम तो हुआ है बहुत, पर अभी जो हालात पे हैं, वैसे सहारनपुर पूरा ही खुदा पड़ा है इस टाइम, उस पर कुछ काम ही नहीं हुआ है, आधे से ज़्यादा काम हुआ है, ज़्यादा काम ही नहीं हुआ, यहाँ भी ज़्यादातर दिल्ली वगैरह में भी बहुत सारी सड़कें